मैं यहां से क्लियर कर देता हूं कि मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर मैं तुमसे कहूं कि नहीं ये बहुत गंदी बात है, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स नथिंग रॉन्ग इन इट। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जब आप बड़े हो रहे हो ऐसे हार्मोन्स ऊपर वाला जनरेट करके दे रहा है, तो तुम और मैं क्या कर लेंगे? समझ में आ रहा है? ये हार्मोन जनरेट करके, ये फीलिंग जनरेट करके कौन दे रहा है? ऊपर वाला। जब ऊपर वाला खुद ही आप में वो हार्मोन्स डाल रहा है, तो उसमें तुम और मैं क्या कर लेंगे? पहली बात तो ये है, ठीक है। पर वो आपको कहीं ना कहीं आपको टेस्ट भी करता है, ऊपर वाला देखता है कि इसमें हार्मोन डालेंगे तो ये डिस्ट्रैक्ट होता है और अपनी जिंदगी उलट पुलट कर लेता है, या फिर कंट्रोल करना भी सीखता है। तो ये आपकी परीक्षा होती है एक तरह की। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना बुरा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि बुरा है। ये अट्रैक्शन कोई बुरी बात नहीं है, होता है, अच्छी बात है। इवन अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, मादा लाडला बिगड़ा नहीं है, ठीक है, तो दैट्स गुड। लड़के को मालूम पड़ता है कि हाँ मैं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, या लड़कियों को समझ में आता है मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, इसका मतलब सब ठीक ठाक है, मतलब वो अट्रैक्शन है, सब कुछ ठीक ठाक है, मादा लाडला बिगड़ा नहीं है। लड़कों का लड़कों से अट्रैक्शन नहीं है, लड़कियों का लड़कियों से अट्रैक्शन नहीं है, अननेचुरल अट्रैक्शन नहीं है, दैट्स गुड, दैट्स अ साइन ऑफ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना और या फिर ये अट्रैक्शन, ये बुरी बात नहीं है, हो रहा है तो वो ऊपर वाले ने दिया है। बट द थिंग इज, हर चीज के लिए टाइम होता है, वो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस चीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे करे डांट देते हैं ना कि तू तू कैसे गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता है छोटी सी उम्र में, उल्लू के पट्टे थार, तो अब रुक जाओ, थांबा, वो आपके पॉजिटिव साइन दे रहा है। आप ये तो सोचो कि आज से 15 साल बाद जब आप उसकी किसी लड़की से शादी करवा रहे होगे तब वो कहेगा नहीं मुझे तो विशाल पसंद है। नहीं समझो तो थांबा, इट्स अ गुड साइन, प्यार से बात करो उससे। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर कोई कहता है, अगर आपका लाडला कहता है कि मैं मेरी क्लास की उस लड़की वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो अच्छी साइन है, उससे प्यार से बस बैठ के बात कर लो कि कुछ बड़ा स्टेप मत उठा लेना, कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में मत चले जाना, ठीक है। पेरेंट ऐसा बोलते हैं, वो खुद कौन से इस चीज़ को नहीं महसूस किए हुए हैं, तो तुम बुरा क्यों मानते हो उस चीज़ को? आप लोग बुरा मत मानिए उस चीज़ को, इट्स अ गुड साइन, ठीक है। बट मैं फिर से कह रहा हूँ, वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए एक एज लिमिट होती है, हर एक काम के लिए एक एज लिमिट होती है।